आज का क्लास काफी इम्पोर्टेंट था, तो ये सबके लिए है क्योंकि इसको मैंने काफी पहले भी स्टार्टिंग एक वेबिनार था उसमें भी डिस्क्राइब किया था, लेकिन मुझे लगा कि इसको और डिटेल में आप लोगों को बतानी चाहिए और इसको जानना सबको आवश्यक है कि इन्वेस्टमेंट हर प्रत्येक लोग करते ही करते हैं, या तो स्टार्टिंग पीरियड में करें या मिड में करें, लेकिन उनको इन्वेस्टिंग से आना पड़ता है। तो इन्वेस्टिंग में क्या क्या देखना है, ऐसी क्या चीजें हैं, इसको समझना आवश्यक है, तो आज की क्लास में हम इस पे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज है कि YouTube पे जो भी लोग हमें फॉलो कर रहे हैं आप लोगों में से, उनको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको रियल टाइम में कोई व्यू वगैरह होगा तो मैं YouTube पे ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाता हूँ और टाइम भी नहीं मिल पाता है शायद इसके कारण। तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे कि नहीं यहाँ पे सही है, कुछ सीखने का अवसर है तो ओके है। और दूसरी चीज, सीखने वाले जो लोग हैं, लर्नर हैं, उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि आप जितने लोग स्टडी कर रहे हो, चाहे आप मुझसे पढ़े हो, पढ़ रहे हो, या किसी और से, व्हाट्स एवर, आप एक चीज माइंड में रख लीजिए कि ऐसा क्या कारण होता है और ऐसा क्या लॉजिक होता है कि आप स्टडी तो करते हो, आप बुक्स पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, व्हाट्स एवर, किसी जगह से, बट जब मार्केट में आप करने जाते हैं तो नतीजा कुछ और होने लगता है। उसको एक लाइन में समझ लीजिए कि मार्केट अपने आप में एक डायनामिक सब्जेक्ट है, ऑप्शन अपने आप में एक डायनामिक मैथमेटिक्स है, मतलब ये चेंज होता रहेगा। यहाँ 2 + 2 4 नहीं होगा, समटाइम 2 + 2 10 भी होता है और समटाइम 2 + 2 1 भी होता है। मार्केट ऐसी जगह है, तो कब ये ऐसे चेंज करेगा, इस चीज को समझने के लिए आपको अपने थॉट प्रोसेस को आगे ले जाना पड़ता है। इसी कारण कहा गया है कि मार्केट एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, बट हम लोग जो स्टडी करते हैं वो स्टैटिक वे में करते हैं। नतीजा क्या होता है कि आप नॉलेज तो ले लेते हो कि हाँ यहाँ पे ऐसे होगा, बट जब करने जाओगे तो हाँ और भी कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। उन चेंज होती हुई चीजों को समझने के लिए, मतलब उस डायनेमिक के अनुसार अपने आप को एडॉप्ट करने के लिए ही मैंने प्रत्येक बार कहता हूं कि बी जीनियस इन ऑल, मास्टर इन ऑल, मतलब जानना आपको सब कुछ है, करना एक पड़ेगा। करना एक क्या पड़ेगा, जो उस समय की मार्केट की कंडीशन है, जो उस समय मार्केट की डिमांड है, और जो उस समय आपके इमोशन के अकॉर्डिंग बेस्ट है, जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्ट हो। लेकिन उस लेवल तक जाने के लिए आपको जानना सब कुछ पड़ेगा, क्योंकि मार्केट एक डायनेमिक है, वो कब चेंज करेगा उसके अकॉर्डिंग आपका माइंड उतनी तेजी से चेंज होगा नहीं। लेकिन आप जब वो चीजों को जानते हो, प्रत्येक चीज, तो क्या होगा, आपकी डिसीजन लेना इजी होगा। कैसे, जैसे मान लो कि 50 और 200 EMA का क्रॉसओवर बना, कोई गोल्डन क्रॉसओवर बन गया, डेथ क्रॉसओवर बन गया, लेकिन वो बनने के बावजूद फिर से प्राइस अगर ऊपर आ गए या नीचे गिर गए, तो आप कहोगे अब ये क्या हुआ। तो वहां पे और भी देखना है कि ओपन हाई लो जैसे कंडीशन नहीं है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रीवियस नहीं है, या कुछ पास्ट में ऐसी घटना नहीं हुई है वहां पे अनएक्सपेक्टेड, जिससे प्राइस वहां रुक के फिर भागा हो, तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा, तब डिसीजन होता है कि नहीं यहां से बाजार गिर जाएगा। जैसे कि उसकी देखिए एक चीज मैं बता दूं, कल की बात है, 15,700 के पास बाजार थी। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में बताया भी कि 15,200 और 15,707 का एक रेंज है बाजार का, तो 700 आ चुका है, तो वार्म अप हो चुकी है बाजार की, मतलब गिरता हुआ जो बाजार ओवरसोल्ड में आती है तो अपने आप को वार्म अप करने के लिए 400 500 पॉइंट का मूवमेंट लेती है, तो हो चुका है, तो यहां से वो रिएक्शन करेगा, तो कोई लॉन्ग करके मत जाना, शायद आप लोगों ने देखा होगा, और नतीजा आज मॉर्निंग में दिख गया, अच्छी खासी गैप डाउन कर दिया। तो ये चीजें आपको समझनी होगी, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब मुझे बताओगे सर ऐसा है तो मुझे ज्यादा खुशी होता है, जब मैं बता सकता हूँ तो आप क्यों नहीं, ये चीज समझ गए, इसको आगे किया कीजिएगा। ऐसे बहुत सी चीजें हैं मार्केट में और मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा, उनसे पे नहीं जाऊंगा और डायरेक्ट आपकी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। एक बात को समझिए कि जो भी इन्वेस्टर लोग हैं आप में, या जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अक्सर उनके साथ होता है या तो रॉन्ग ट्रेन पे इंटर कर जाते हैं, जाना है दिल्ली वो मुंबई की ट्रेन पे बैठ जाएंगे, या वो रॉन्ग टाइम पे बैठ जाएंगे, जब ट्रेन यार्ड में है तब बैठेंगे, और जब ट्रेन चलने को स्टेशन पे आई तो नहीं बैठेंगे, या फास्ट ट्रेन सामने से निकल रही है उसमें जंप करने का प्रयास करेंगे। तीन कंडीशन करते हैं इन्वेस्टर जहां पे गलती करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट में कहा गया है कि आप फंडामेंटल जानते हो ओके है, बट ट्रेन पे चढ़ना कब है ये आपको टेक्निकल बताएगी, कौन सी ट्रेन पे चढ़नी है आपको पता है फंडामेंटल में, बट उस ट्रेन पे चढ़ना कब है ये आपको टेक्निकल से आएगा, बट टेक्निकल की भी अपनी एक परिसीमा है।
उसकी भी अपनी एक परिसीमा है, वहां जाकर आपको अपनी एक्सपीरियंस का जब निचोड़ उसमें मिलता है तब उसे फ्रूट बाहर आता है। तो उतना एक्सपीरियंस हर किसी के लिए संभव नहीं होता है उतना मेहनत मार्केट में करना। मार्केट में आप देखेंगे कि लोग कहीं से भी नॉलेज लिए, उस नॉलेज पर अपनी थॉट डेवलप की और आगे चले गए और उनके लाइफ का जो भी अर्निंग होने लगा वो हैप्पी हो जाते हैं। वो आरएनडी का पार्ट नहीं बनना चाहते, तो ऐसा क्या तरीका है कि जिसको करने के उपरांत आपको बहुत कुछ ज्यादा देखना नहीं पड़े बाजार, मतलब आपका डिसीजन मोस्ट ऑफ टाइम सही हो, आपको गलत होने की संभावना ना के बराबर हो। तो इन्वेस्टमेंट कहता क्या है कि लो पे बाय करो और हाई पे सेल करो। बिजनेस क्या कहता है, कम पे खरीदो ज्यादा पे बेचो, एक अच्छा बिजनेसमैन। तो उसी चीज पे मैं काफी सालों से इस चीज को देख रहा था, तो देखते देखते मेरे जो समझ में आया कि मार्केट एक मैथमेटिकल कंडीशन में काम करती है, जिसको मैंने फर्स्ट जो मेरा सेकंड वेबिनार का वीडियो था उसमें मैंने 10 मिनट इस पे बताया भी है, यूट्यूब पे अवेलेबल भी है चैनल पे। उसके बाद इस पे बहुत सारे कॉपी भी बने, लोगों ने कॉपी भी किया, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे इसको काफी कुछ बता चुका था पीडीएफ के थ्रू, हर किसी के थ्रू, बट डिटेल में आप लोगों से कभी बात इस पे नहीं हो पाई। एसआरटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग जानते हैं उसको समझ रहे होंगे। मैं इस पे पीडीएफ भी बना के आप लोगों को दे दूंगा, जो लेटेस्ट है, जो बेहतर है, पुरानी वाली में थोड़ी सी मुझे लगता है चेंज करने की आवश्यकता है नए मार्केट में, तो उसको बनाकर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। या आप लोगों में से कोई बना लीजिएगा तो मुझे भेज दीजिएगा, जिनका सबसे बेस्ट मुझे लगेगा मैं पूरे सबको दे दूंगा। क्योंकि देखिए, जिस चीज से सबका भला हो सकता है उसे लोगों तक जानी चाहिए। और ये फाइनेंशियल मार्केट ऐसी है ना कि यहाँ तो काली दुनिया है, यहाँ कोई किसी को बताने को तैयार नहीं, दिक्कत ये है। एनीवे, तो मैंने ऑब्जर्व किया करीब 8 से 10 साल तक लगातार देखता था, मेरी समझ में आता नहीं था कि आखिर मार्केट जब जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, जब बाजार गिरता रहता है तो हम इतने फियरफुल हो जाते हैं कि या तो हम वहां पर इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, या हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के कैपिटल ऊपर टॉप में ही खत्म हो जाते हैं और हम अपने स्टॉक को नीचे 50% डाउन देखने का आनंद प्राप्त करते हैं बहुत सालों तक, और कहीं ना कहीं थक के निकल जाते हैं, फिर स्टॉक जब ऊपर जाता है तो ऊपर बढ़ते हुए देखने का आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे पास होता नहीं। ये सारी चीज मैं भी झेला हूं, मैं भी इस सीट से उठ के उस सीट पे बैठा हूँ, उस सीट से उस सीट पे बैठा हूँ, जैसे कि इस स्टॉक में बैठ गए, ये नहीं बैठ रहा, इसको बेचो, अब उसको ले लेते। एक जो सिस्टम है मार्केट में लर्निंग का, उस फेज से मैं भी गुजरा हूँ, तो ये चीजें मैं बता रहा हूँ। तो ये मेरे साथ अक्सर होता था, मैं बड़ा परेशान कि आखिर कुछ तो होगा इस बाजार में कि जिससे हमें आइडिया लग सके कि नहीं, हम जहां पे इंटर किए हैं उसमें बहुत ज्यादा अब पंटर जो है बड़ा पैसा हमारे साथ गड़बड़ नहीं कर सकता है, हमें पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ सिस्टम तो होगा, लेकिन बड़ा टफ था। फिर जब मैं काफी, मेरी नेचर है आरएनडी करने की, मतलब मुझे मार्केट में कुछ नया तलाशने की मेरी नेचर है, मेरा लाइफ का मतलब मोस्ट ऑफ पार्ट इसमें जाता है, आज भी करता हूं, मुझे लगता है कि कुछ जानो बाजार में, बहुत कुछ जानने का है। तो मैंने देखा कि प्राइस की जो मूवमेंट थी इंडेक्सेस की, वो इंडेक्सेस की मूवमेंट में एक खास तरह का एब नॉर्मल कंडीशन मैंने देखा। वो क्या थी कि आप लोगों को पता है कि प्राइस जो है अपनी एवरेज को फॉलो करते हैं और एवरेज अपने प्राइस को फॉलो करती है। जब प्राइस अपने एवरेज से काफी दूर चल जाती है, एवरेज अपने प्राइस से काफी दूर होती है, तो प्राइस अपने एवरेज के पास और एवरेज अपने प्राइस के पास, मतलब दोनों आपस में आने की कोशिश करेगा। मतलब ट्रेन को लगातार चलनी है तो कहीं ना कहीं उसे फ्यूल लेना पड़ेगा, अगर वो डीजल इंजन है तो उसे कहीं ना कहीं फ्यूल लेना पड़ेगा रुक के। तो वही वाली स्थिति हमारे प्राइस में होती है। तो लेकिन उसमें भी मैंने देखा कि जितने भी एवरेज थी प्राइस की, अलग अलग बिहेव कर रही थी। मैं व्हाइट बोर्ड के थ्रू आज बताऊंगा, आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं व्हाइट बोर्ड का यूज करूंगा आप लोगों के, ठीक है, तो जिससे आप इसको समझ पाएंगे, और बाद में जब मैं पीडीएफ भेजूंगा तो आपको बहुत कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करनी है, जरूरत पड़ेगा तो इस पर हम और बताएंगे। क्योंकि मैं चाहता था कि आज क्लास में बहुत चीज बताएं, जैसे निफ्टी का गैप था, गैप थ्योरी कैसे इंट्राडे में करते हो, वो भी बताने की मूड में था, लेकिन मैं सोचा कि अभी और आगे डिटेल में बताएंगे, चूंकि जितने भी अमृतवाणी वगैरह आ रहा है, मैं 2 मिनट लूंगा तो उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि अमृतवाणी अपने आप में एक एक लाइन काफी इंपॉर्टेंट है और उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग लाइफ में। लेकिन मैं देखता हूं बहुत लोग उसको सिर्फ पढ़ते हैं और उतना सीरियसली लेते नहीं है, तो मैं उस पर छोटे छोटे 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो के माध्यम से, वीडियो क्लास के माध्यम से इस तरह क्लास लेकर आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। तो वीक में कम से कम 2 से 3 दिन में आपको जरूर बताऊंगा,
और जिससे आपको फायदा होगा कि आप उसको और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे, और मार्केट में कुछ एबनॉर्मल कंडीशन होगी तो भी मैं उसमें आपको गाइड कर दूंगा। तो जब तक अमृत वाणी है करीब 150-200 होगा, भी मैं लिख ही रहा हूँ उसको, तो बढ़ता चला जाता है। एनीवे तो जो मूविंग एवरेज की एबनॉर्मल कंडीशन थी उसमें मैंने क्या पाया, ऐसे तो बहुत सारे चीजें उसमें थी, लेकिन जो बेस्ट पार्ट और सिंपल लगा मुझे कि पूरे ईयर में जो हमारी ट्रेडिंग होती है मार्केट की, जैसे सैटरडे संडे तो क्लोज हो गया बाजार, कुछ फेस्टिवल के क्लोज हो जाते हैं, तो पूरे ईयर में लगभग 248 से 252 डेज तक ट्रेड होते हैं मार्केट में, इतना ही दिन ट्रेडिंग होती है। अगर इनको हम आधा करते हैं तो लगभग 125, 126, 124 आती है। तो मैंने लोएस्ट कंडीशन को लिया, 124 को लिया। आप 25 भी ले सकते हैं, 26 भी ले सकते हैं, उससे आगे मत बढ़िएगा। 24 को मैंने लिया। लेने के बाद जब उस एवरेज का, जो मतलब अभी वर्तमान में एवरेज चल रहा है, उस एवरेज का जो अभी स्पॉट प्राइस होगा, स्पॉट से जब आप उसको माइनस करते हैं, तो आप देखते क्या है कि एक ऐसी चीज आ रही है, एक डाटा रहा है जो कि 0.12345 इस तरह से चलने लगता है, 0.9, 0.8, 1.10, 1.2। तो उस डाटा का फिर काफी दिनों तक मैंने देखा कि भाई ये आता है 0.9 आया, तो ये क्या हुआ, ये क्यों आ रहा है। तो उसके तब काफी, उसके बाद मुझे लगता है कि एक 1.5 साल लगा था, ये बात मैं बता रहा हूं आपको, लगभग 2011-12 की, 1.5 साल और लगा इसके बाद। समझिए कि कितना टफ होता है किसी भी चीज को फाइंड आउट करना, और उसको जब मैं आपके सामने लेके आता हूँ तो उसके पीछे काफी टाइम लग जाता है। लोगों को लगता है कि सर ने बता दिया, बड़ा इजी है, इजी नहीं होता है, उसको समझना पड़ता है, आपको थोड़ी थॉट डालना पड़ेगा। तो मैं देखा कि 0.6 से लेकर और 1.5 के बीच में ट्रेवल करता था, मतलब 0.6 आता था, वहां मार्केट बॉटम आउट हो जाती थी, मतलब मार्केट का बॉटम बन जाता था, और जब 1.5 तक जाती थी, जो कभी कभी जाता था, नॉर्मली 1.38445 इतना ही तक घूमता था और वहां जाता था, मार्केट का टॉप बन जाता था। तो मैंने कहा कि भाई ये क्या है, ये तो कुछ नया चीज है। फिर मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, जब भी 0.789 आए, क्योंकि 6 रेयर केस में आती है, जैसे कोरोना आया उस टाइम पे आया था, उसमें बहुत से स्टूडेंट ने, बहुत से मेरे जो फॉलोअर थे फेसबुक पर, उन्होंने मुझसे पूछा भी था, मैंने कहा था जितना लेना है ले लो। उस समय CDSL 260-270 था, बजाज फिनांस था, आप देखेंगे उसमें ट्विटर वगैरह पे भी मैंने जितने भी स्टॉक दिए थे सब मल्टी बैगर ऐसा बन गए, क्योंकि वो 0.6 से 8 का गया था, उसके बाद मार्केट बढ़ता चला गया। एनीवे इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमेशा टाइम होता है, बेस्ट टाइम की बात कर रहे हैं। तो इसमें वो ट्रेवल करता रहता है अप डाउन। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको ये क्या करेगा, सिग्नल दे देगा कि आपकी जो होल्डिंग है उसको 50% बुक कर लो, जब भी आपका 1.35 के ऊपर निकल जाए, 1.35 के ऊपर जब भी आपकी होल्डिंग निकल जाए तो 50% एक बार बुक कर लो। बहुत से लोगों, आप लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि सर बुक कर ले, मैंने कहा हाँ बुक कर ले, मैंने कहा भी था। तो वहां पे आप एक बार आधा बुक कर लो पोजिशन, याद रखिएगा कि जब भी ऐसा कंडीशन हो बुक कर ले और कैश पे बैठ जाए, कैसे रहेगा। फिर मार्केट क्या करेगा कि अपने आप को एवरेज करने के लिए 0.9 से 1.10 के पास आता है, नॉर्मली 0.921 आ ही जाता है, जब वहां से बैक होता है वहां पे आ जाए, वहां पे आपको मंथली टाइम फ्रेम को या को बाय में आने का वेट करना है, हिलेगा मिलेगा। जब मंथली टाइम फ्रेम बाय में आ जाए तो फिर से जो 50% आपका है उसको एंटर करते हैं, क्योंकि वहां बॉटम नहीं तलाशेंगे, वहां फंस सकते हैं, क्योंकि आप फ्रेश इन्वेस्टर नहीं हो। लेकिन जो फ्रेश इन्वेस्टर है वो 0.7, 0.6, 0.8, 0.9, 0.9 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। यही कारण था कि मैंने आप लोगों को कहा था कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको समझिएगा, क्योंकि अभी जो मैं बातों में बता रहा हूं तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोग उसको समझ ना पाए। एक मिनट, इसके पहले मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो। 124 का एवरेज निकालने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली करना क्या है कि 124 डे का एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज लगा देनी है, ऐसे में लगा देना है 124 का, और डे टाइम फ्रेम पे इसको लॉक कर देना है। तो आपके सामने एक डाटा आ जाएगा कि कहाँ पे आज 124। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी,
ये आपने सही कहा, इसलिए तो मैंने आपको कहा है कि आप मुझे गाइड कर देंगे जहां जाने लगते हो। एक मिनट, अब स्क्रीन शेयर है। ओके थैंक यू। देखिए सिंपली क्या करना है कि आपको चले जाना है चार्ट लिंक पे या कहीं पे भी, सिंपल मूविंग एवरेज 124 दिन का आपको करना है, तो तुरंत आपको आ जाएगा इमीडिएट कि 124 का अभी जो एवरेज है 124 दिन का, जैसे साल में 250 दिन ट्रेड हुए या 248 दिन ट्रेड हुए, हम उनके 6 महीने का एवरेज निकालेंगे, मतलब 124 दिन का वो कहाँ पे है, तो अभी एवरेज आपको आ रहा है 16,959, 16959 यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, 16959 ये आपको एवरेज मिल गया। पहले आपको एवरेज निकालनी है, जब भी आपको गोल्डन टाइम इन्वेस्टिंग का पता करना हो तो आपको एक करना पड़ेगा, ओवरसोल्ड ओवरबाउट आपको धोखा दे सकता है, मूविंग एवरेज भी समटाइम धोखा दे सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी धोखा दे सकता है, बट यकीन मानिए ये आपको धोखा नहीं देगा, जस्ट ट्राई इसको। जो पिछली बार हमारे साथ 2020 में 2017-18 में जब मार्केट गिरी थी एक बार, उस समय से हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको शायद पता होगा कि हमने क्या क्या उस समय कहा था और क्या क्या हुई थी, और इसको डिस्क्राइब भी किया था उनसे, और उन्होंने इसको लाइव देखा था। मैं आशा करता हूं कि इस बार आप भी इसको लाइव देखिए। जब तक खुद से आपको यकीन ना हो जाए, मेरे किसी वर्ड पे भरोसा नहीं करना है, आपको ये मान लेना है मार्केट में सब घूम आया है, क्योंकि इस बाजार में अगर कोई आपका भला कर सकता है तो आपको, दूसरा कोई नहीं कर सकता, इस चीज को समझ लीजिए। तो मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ एज पर एक्सपीरियंस, आपको इसको पहले वेरीफाई करनी है, एक बार नहीं दसियों बार वेरीफाई करनी है, और जब सही रहे तो गो अहेड, वरना छोड़ दीजिए। 124 आपको सिंपली मिल जाएगा, इसके लिए कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि मतलब नया नया भी इंसान इस मार्केट में आया तो उसे पता हो कि ट्रेन पे चढ़नी कब है, ठीक है, और ट्रेन से उतरनी कब है उसे पता हो, ठीक है। पहले ये डाटा आपको आना चाहिए, तो क्या आ रहा है 16,959, 16959 आपको मिल गया एवरेज 124 डे का, आप 125 126 भी रख सकते हैं, कोई सुन नहीं है। मैं इसको रखता हूं ताकि पहले से बताता रहा हूं तो लोगों के माइंड में चला गया होगा, ठीक है ना, तो इससे आपको फायदा होगा कि माइंड में जो चला गया उसको भूलना बड़ा मुश्किल होता है, तो आपको 16959 मिल गया। अब आते हैं दूसरे स्टेज पे, जैसे ही आपको 16,959 मिल गया 124 दिन का एवरेज, आपको करनी क्या है कि सिंपली अभी का जो प्राइस है उसका पता करना है कि अभी मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। तो अभी जो मार्केट की प्राइस चल रही है, मैं आपको दिखा दूं निफ्टी की स्पॉट की प्राइस, तो क्या है 15,413, 15413, तो स्पॉट का प्राइस मिल गया, और 124 दिन का एसएमए का प्राइस आपको, मतलब दो चीजें इसका पता करने के लिए आपके पास चाहिए, 124 डे का एसएमए का एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज का एवरेज, और निफ्टी का स्पॉट, ये दो डाटा अगर आपके पास पता है तो आप ये पता कर सकते हैं कि कहां पे ट्रेन पे चढ़ना है और कहां पे उतरना है। अगर इसके अकॉर्डिंग आप कभी भी इन्वेस्टिंग करते हो, व्हाट से आप किस स्टॉक में करते हो, आपको शायद इन्वेस्टिंग में कभी भी पेन नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है इन्वेस्टिंग में कि आप ट्रेड लेते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, समटाइम 30% 50% डाउन हो जाए, जैसे अभी हो रहा है, मेरे भी बहुत से डाउन है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने भी उस समय पे बुक भी किया था। तो आप चाहते हो कि मेरा रेट से सामना ही नहीं हो, मुझे डर लगता है रेट से, जीवन में बहुत रेट देखा है पास्ट में, अब तो नाम से ही डर लगता है, तो आपको वेट करना होगा ईयर में या 1.3 ईयर में, 1.3 ले ली, 1.3 ईयर में एक मौका ये जरूर देगा कि आपको 0.95 से 1.10 तक आए, एक बार जरूर आएगी। याद रखिएगा मार्केट कहता क्या है कि ईयर में एक बार वो 12 से 13% करेक्शन होती है बाजार में, तो जब जब होगी आप वहां इन्वेस्ट करो, आपको बस वेट करना होगा, मतलब जैसे ट्रेन का हम लोग वेट करते हैं स्टेशन जाकर समटाइम, तो समटाइम आपको वेट करना होगा। लेकिन अगर आप वेट करते हो तो आपकी पोर्टफोलियो या आपकी इन्वेस्टिंग या आपकी स्विंग ट्रेड, जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, जो रिटायर्ड पर्सन है 4-5 महीने के लिए, उनको साल भर वेट कीजिए 6 महीने, और जब ट्रेन वहां आ जाए आप इंटर कर दो, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। जो निफ्टी बी का ट्रेड करते हैं वो भी कर सकते हैं, फ्यूचर हेज बनाते हैं रोल ओवर वाले, वो भी वहां इसका वेट कर सकते हैं, लेकिन आपको 0.9 एरिया में आना होगा, 0.8 में आना होगा, तब जाके होगा। तो लेकिन अप ट्रेंड में आ जाए, हिलेगा मिलेगा मंथली टाइम फ्रेम, तब याद रखिएगा इस वर्ड को, ये नहीं कि मिला डाटा जंप करके, मिला डाटा उनके लिए
जो लोग इन्वेस्टर हैं, फ्यूचर हेज वालों, ट्रेडर की मैं बात नहीं करूंगा, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो दो डाटा आपको मिल गए, टाइम ज्यादा मैं नहीं लूंगा, नहीं तो आप लोग फिर कहेंगे सर समय ज्यादा लग रहा है। तो 16,959 मिल गया, 959 आपको 124 दिन का एसएमए का डाटा। स्क्रीन शेयर है मनीष जी? सर जी ओके थैंक यू। आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, पहली बार यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं कंफर्ट नहीं हो पाता हूँ, इसके कारण दिक्कत होती है। तो मैं को क्लासरूम जब बन रहा है ना, तो उसमें वो व्हाइट बोर्ड पीछे बन रहा है, तो आप खड़ा होकर आराम से पढ़ा पाएंगे, तो वो चीज मैं तैयार करवा रहा हूँ। तो ये परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि अगर पेन वो व्हाइट बोर्ड मिल जाए मुझे, तो मैं बहुत कुछ बता पाऊंगा आप लोगों को, और मुझे अच्छा लगता है बता रहा कि भाई चलो मैक्सिमम चीजें बताओ। नॉलेज तो सर ज्ञान है जो बांटने से बढ़ जाती है, सबसे बड़ा फायदा है। चलिए, तो हमारे पास दो डाटा है। वन देखिए, पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगी। 16,959 एक डाटा मिल गया, और एक है निफ्टी का स्पॉट। निफ्टी का स्पॉट याद रखिएगा, ये कितना है? 14,013। कितना है मनीष जी? 14,413 है ना, यही है ना, 413 जी। ये दो डाटा आपको निकाल लेनी है, क्लियर है? ये दो डाटा जब आपको मिल जाता है, तो आपको करना क्या है कि 14,413 और 16,959, इन दोनों को आपको सिंपली, एक मिनट, कर दीजिए 16,959। कैलकुलेटर दिख रहा है? नहीं, कैलकुलेटर नहीं दिख रहा सर। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो इसको ऐसे कीजिए खुद से सर, स्पॉट 15,413 है ना। ओ सॉरी 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 सॉरी, देखिए वही तो मैंने आपसे पूछा कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। और 15,413 पुराना भूल जाइए, जो भी मैंने बताया है, ठीक है? अब इसको हिंदी में भाग दे दीजिए, कुछ नहीं करना है। किससे देंगे? इससे इसको देंगे, वन और ए टू, क्लियर है? सब लोग करके बताइए कितना है मनीष जी। 15,413 को 16,959 में कीजिए। 0.90883 गुड, मतलब 0.90, ये आपके पास आता है? बिल्कुल 0.90, ये आपको निकल के आता है, क्लियर है? तो अभी मैंने क्या कहा कि ये 0.6 से 1.5 तक ट्रेवल करता रहेगा, इधर से इधर, इधर से इधर, क्लियर है? ए हुआ आपके ट्रेन का एंट्री पॉइंट और ए हुआ एग्जिट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 0.6 आपको हर बार नहीं मिलेगा, 0.6 आपको रेयरली मिलेगा। 0.6 आपको 8 से 10 सालों में एक बार मिलेगा। ए जो एरिया है, ये आपको 8 से 10 सालों में मिलेगा। मतलब कि अगर आपने आज 0.6 नहीं देखा है, अभी 0.6 आके गया है, तो आपको 8-10 साल और वेट करना होगा, तब 0.6 आएगा, क्लियर है? मतलब जब बच्चे हो, बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, जब 10 साल का बच्चा 20 साल का हो जाएगा, तब उसको 0.6 मिलेगा। कहावत है कि इन्वेस्टिंग का गोल्डन टाइम 10 ईयर में एक बार आता है, इन्वेस्टर का गोल्डन टाइम हर 10 ईयर में एक बार आता है, रूल है इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टिंग का हमेशा टाइम नहीं होता है गोल्डन टाइम। तो जैसे 2020 में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, उनका पोर्टफोलियो कभी रेड हो ही नहीं सकता, ट्राई करके देख ले, नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने गोल्डन टाइम पे किया था, उस समय यही डाटा थी, 0.59 तक गया था, 0.59 तक। ऐसे तो 0.5 तक है, बट वो रेयर केस, उतना हम नहीं जाएंगे, आप उलझ जाएंगे आरएनडी करने, तो 0.6 रखे माइंड में, ताकि इन्वेस्टमेंट कर पाए। 5 दे देंगे ना, तो आपका ह्यूमन माइंड 5 तक का वेट करेगा और ट्रेन छूट जाएगी,
मैं नहीं चाहता कि ट्रेन ऐसा मौका जीवन में आया तो छूटे, तो उस ट्रेन की हर कोई सवारी करे तो 0.6, माइंड में रखो उसको, भूल जाइए, फॉरगेट। उसमें पिछली बार भूल गए थे बहुत से लोग, 0. मैंने 5.5 का, 0.5 आता, मैंने 0.55 का दिया था, लोग 5.5 का रेट करते रह गए, 0.59 से ट्रेन बच गई थी, वो लोग रिग्रेट, सर क्या करें। मैंने कहा 0.7 के पास भी ले लो, कोई दिक्कत अब नहीं है, एक बार आके चला गया तो दोबारा भी नहीं आएगी, क्योंकि ओवरसोल्ड और अबाउट ए नहीं है, सिंपल ऐसी मैथमेटिक्स है जिसको चेंज मार्केट खुद नहीं कर सकती है, ये बड़े पैसा का जो इमोशन है उसके थ्रू बना हुआ है। तो ये चीजें, आपके पास डाटा आती है 0.6 से 1.5, तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहां करनी चाहिए, सिंपली जब भी आपको ये 0.8 से लेके 0.9 तक मिले तो आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो। स्टार्ट मीन्स कि एक बार नहीं स्टार्ट करनी है, कैपिटल 100 रुपए है तो आप यहां पे 30 रुपए का ले, इसके बाद फिर 0.10 गिरे फिर ले लीजिए, मतलब हर 0.10 पे आपको लेते जाओ, और यकीन मानना है एक साल में आपका वो ग्रीन हो जाएगा, आप प्रॉफिट में आ जाओगे। एक साल तक अपने आप को यार रख ही नहीं सकता, इसको आना पड़ेगा 1.2, 1.3, इस तरह इसको आना पड़ेगा। 1.10 तो इसका एवरेज पॉइंट है, मतलब रहता ही रहता है, नॉर्मल घूमता रहता है 1.1 के पास, मतलब इसे, तो आप लोगों को डरना यहां नहीं है, आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, बड़ा ही सिंपल है। इस पे पूरा PDF बनाकर मैं डिटेल में नया जो और भी चेंज जो है आपको भेजूंगा। बेटर होगा कि जो आप लोग मुझे बनाकर भेजिए, मैं उसमें अगर कुछ गड़बड़ हुआ काट छाट तो बता दूंगा, अगर ओके रहा तो सबको शेयर कर दूंगा, इससे सबकी वो भला हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर जो है इसमें काफी परेशान रहते हैं, उनको चार्ट देखने में तकलीफ होती है, जो ओल्ड एज के हो गए इन्वेस्टर उनको तो चार्ट देखनी नहीं आती है, बेचारे परेशान उसमें रहते हैं, या जिनका कंप्यूटर का नॉलेज सब कम है उनको भी चार्ट देखने में दिक्कत आती है। मार्केट में जो नए आए हैं वो चार्ट को स्टैटिक रूप में देखते हैं और चार्ट को डायनेमिक रूप में देखा जाता है, जैसे मूविंग एवरेज होता है ना, उसमें हम डायनेमिक रूप में कैसा चार्ट देखते हैं उसको हम एक डिटेल में क्लास ले लेंगे, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ट रीडिंग या प्राइस एक्शन में लोगों का इमोशन एक्शन कर जाता है, तो हम करेंगे उस पर एक दिन, अभी उसकी प्रॉमिस नहीं करेंगे बट करेंगे, तो उनके लिए काफी फायदेमंद है। आप इन्वेस्टमेंट काफी इजी वे में कर पाओगे इसके थ्रू, आपको कभी तकलीफ नहीं। हाँ, जब भी 1.35 हो जाए आपको पोर्टफोलियो हल्का हल्का बुक करने रहना है, और 1.45 मिले तो कम से कम 50% तो निकल जाइए, यहां से 0.5 बढ़ भी जाएगा, 1.5 भी हो जाएगा तो कोई रिग्रेट मत कीजिएगा, क्योंकि आपने सही जगह पे एग्जिट ली है, वो आएगा नीचे, रिलैक्स रहिएगा। आपको इसमें फेथ करना होगा इस डाटा पे, क्योंकि इतना पैनिक होगा इस लेवल के आसपास कि आपके हाथ कांपेंगे इन्वेस्टमेंट करने में, इतने बैड न्यूज आते रहेंगे ना, खासकर इस एरिया में 0.6 में, कि आपको लगेगा दुनिया खत्म हो रही है, स्टॉक मार्केट अब क्लोज हो रहा है, आपको ए वाली फीलिंग दिलाएगा। 0.6 के एरिया में जब भी बाजार आएगी तो इतना पैनिक न्यूज आता रहेगा, लगेगा वर्ल्ड अब खत्म, फिनिश, कुछ बचा ही नहीं है। आप अपनी होल्डिंग, अपनी म्यूचुअल फंड बेच कर यहां भागोगे, ये वही एरिया है, और मैं दावे से कह सकता हूं कि आप में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो 2020 के पैनिक में जब यहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा था, आप अपनी होल्डिंग बेच रहे होंगे, आप अपनी म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर रहे होंगे, लोग आपको 4,000 का भी टारगेट दे रहे होंगे, 5,000 का भी दे रहे होंगे, 6,000 का भी दे रहे होंगे, और आप अपनी होल्डिंग बेच रहे होंगे। बट यकीन मानिए, अगली बार से कभी भी ऐसा मिले तो आपको होल्डिंग डबल कर लेनी है, बढ़ा लेनी है, ट्रिपल कर लेनी है, डरना नहीं। कह दीजिएगा बाजार को कि भाई भारत खत्म तो हम खत्म, चलो देख लेंगे। अब सर एक साल में आपका पैसा यहां से डबल हो जाता है जब भी 0.6 आता है। हिस्ट्री है कि जब जब 0.6 आएगा विद इन 1 ईयर में पैसा कम से कम डबल होगा, कम से कम, हो सकता है 10 टाइम हो जाए, 5 टाइम हो जाए, 6 टाइम, आई डोंट नो, बट डबल होगा। निफ्टी भी डबल हो जाती है, मैं दूसरे की क्या बात करूं, जब जब इतना आता है निफ्टी वहां से डबल हो जाती है। इसकी हिस्ट्री है कि जब जब 0.6 आया है निफ्टी वहां से डबल हो गई। 2009 में भी यही हुआ, आया निफ्टी डबल हो गई, 2006 के पास आया निफ्टी डबल हो गई, जब जब ये आएगा निफ्टी डबल हो जाती है, ये सारी चीजें इसमें। तो इसको समझिए और समझ के करने का प्रयास कीजिए, और इस पे डिटेल में PDF जो है बनाकर आप लोगों तक पहुंचा देंगे तो शायद इसको और बेहतर समझेंगे। कोई भी कंफ्यूजन होगी तो मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों का ले लूं, अगर है तो 2-4 क्वेश्चन मैं आपका लूंगा, ज्यादा नहीं ले पाऊंगा।
और सिर्फ इस टॉपिक पे आप क्वेश्चन लेंगे, दूसरे टॉपिक पे नहीं लेंगे। क्लियर है? गुड 521। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपका लगता है रोल नंबर है 5021, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, हम आपसे बात करेंगे। अमित वर्मा, बहुत सारे हैं ना, इतने तेजी से अप डाउन हो रहा है, पता नहीं किनका क्वेश्चन नहीं आ रहा है। गौरव खुराना जी, क्या क्वेश्चन है सर आपका? नमस्कार जी। नमस्कार गौरव जी, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताएं सर, मैं आपसे एक्चुअली फोन से इंटरेक्शन कर रहा हूं जी। एक्चुअली सर मेरा सेशन, हां जी, मेरा सेशन से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन नहीं था, मेरे को सर ऑप्शन सेलिंग के बारे में, मतलब आपसे सीखने के बारे में बात करना था, तो इसीलिए सर उसके लिए हम फिर बात कर लेंगे, आज इस पे बात कर लेंगे अगर कोई कंफ्यूजन। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल जी। मैं आपको सर वो कह रहा, मैं अपना व्हाट्सएप जो नंबर आपका है उसमें आपसे कर सकता हूँ? हाँ, व्हाट्सएप पे तो मुझसे बात कर ही सकते हैं, 93 का लेकिन व्हाट्सएप नंबर है मेरा, पुराना व्हाट्सएप चेंज हो गया है 74 का, क्योंकि वो हैक हुआ था जिसके कारण मैंने उस पे FIR वगैरह कराई थी, तो पुलिस ने उसे चेंज करा दिया है, तो 93 का नंबर हमारे पास है। तो आप सर नंबर दे पाएंगे एक बार प्लीज? नंबर हम दे देंगे, सबको दे देंगे नंबर आप लोग। एक्चुअली नंबर देने के बाद मैसेज की बाढ़ आ जाती है, अभी भी आता रहता है, अभी भी बहुत लोगों के पास है और मैं आपको रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ इसके लिए, तो आई एम सॉरी, आपको मैं कहूंगा। मेरे ब्रदर ने मेरे को अपने क्या नाम आपका रेफरेंस दिया था, वो आपका बहुत बड़ा फैन है सर, आपको काफी सालों से फॉलो कर रहा है, तो मुझे उसी ने कहा कि तो सर क्या नाम है नीतीश सर से ही मतलब ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करके। नहीं देखिए, आप किसी से कीजिए, मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ, जो भी आप लोग हैं, मार्केट डायनेमिक है, ऑप्शन डायनेमिक मैथमेट है, और आप उसको स्टैटिक वे में जब स्टडी करते हैं तो उस स्टैटिक वे को अपने आप को डायनेमिक बनाने में सर 1.5 से 2 साल का वक्त लगता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति को लगता है कि आप मुझसे भी सीख रहे हो और मैं आपको 2-4 महीने 6 महीने में बहुत कुछ कर दूंगा, तो असंभव है सर, 1.5-2 साल लगेंगे अगर आपके पास उतना वक्त है। मैं रेडी हूं सर, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं उतना वक्त नहीं है तो फिर मुश्किल है ना, वो फिर आपको मैं बता भी दूंगा ना, आप कुछ ना कुछ इमोशन में गड़बड़ करोगे, अपना लॉस कर लोगे, मुझे बोलते फिरोगे कि सर देखो बताया मुझे ऐसा हो गया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तो होता है सर, मैंने इस चीज को देखा, तो इसलिए मैं कहूंगा कि पहले आप इसको समझिए और जब भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके जी, आपका आपका सर एक एक वर्ड मायने रखता है, मेरा ब्रदर आपका एक एक वर्ड फॉलो करता है सर। जो भी चीजें सर, शायद मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, लोग क्या करते हैं वीकेंड पे मार्केट व्यू देते हैं या डे पे, मैं एवरी डे व्यू देता रहता हूँ आप लोगों के सामने लाइव मार्केट में, एक और लोग देखो मार्केट ये करेगी, तो फिर भी जितना समय मिलता है एनी वे मिलते हैं। ओके थैंक यू सर। अमित वर्मा जी, क्या क्वेश्चन है सर आपका? एसआरटी के रिगार्ड में भी वर्मा जी क्वेश्चन कीजिएगा। अमित वर्मा जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मेरे इनसे कोई दिक्कत नहीं है, चलिए वर्मा जी शायद कुछ प्रॉब्लम है, चलिए मैं कहीं दूसरे का ले लेता हूं क्वेश्चन। आर्मी 0021, क्या क्वेश्चन है आपके? अच्छा आप तो दिल्ली मेट्रो में हैं, चलिए चलिए आपसे बात हुई है, आए भी थे आप, तो क्या क्वेश्चन है आपका? मनीष जी आवाज नहीं जा रहा इन लोगों तक, क्या? नहीं सर आवाज आ रही है आपकी। सर कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ओ तो हैंडराइज क्यों किए हुए हैं सर, डाउन कर दीजिए प्लीज। ओहो मैं चाहता हूँ, देखिए इस पे कुछ डाउट्स होंगे आप लोगों को, मैं इस डाउट्स पे फिर से कोशिश करूंगा, बट देखिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफी इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर के लिए, अगर इन्वेस्टर इसको समझ जाए ना तो उसे कष्ट नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन उस पे तो सही हो। चलिए सुमित चेतन जी, क्या क्वेश्चन है सर आपके? हेलो नमस्ते सर। जी नमस्ते सुमित जी। सर ये हम निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं इसको? बिल्कुल, आपने क्वेश्चन किया जो सबका क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन मुझे पहले भी आता था सर, आपको सिर्फ निफ्टी पे इसको देखना है, ठीक है जी सर। आपको इसे सिर्फ निफ्टी पे देखना है और इसको निफ्टी पे जब 0.678 आए उसी आधार पे आप किसी भी स्टॉक में एंटर कर दो, स्टॉक पे नहीं देखनी। जिस प्रकार एवीवाइप हम निफ्टी पे सिर्फ लगा देते हैं और बाकी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं या ट्रेड, वैसे ही आपको सिर्फ निफ्टी इंडेक्सेस पे लगानी है। याद रखिए अगर इंडेक्सेस गिरेगा तो बाकी चीजें भी गिरेगी, बाकी चीजें भी उसको फॉलो करेंगी, जस्ट लाइक प्राइस
हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है तो स्टॉक इंडेक्सेस को फॉलो करता है। अगर निफ्टी मान लीजिए 1000 पॉइंट गिर जाए तो स्टॉक ऊपर नहीं रह सकता है, वो साइकोलॉजिकल वे में नीचे गिर जाएगी। तो आपको सिर्फ निफ्टी पे इसको लगाइए, निफ्टी पे अगर इसका जो डाटा आता है उसके आधार पे आप आगे जाइए। मैं समझता हूं कि आपको इसमें कभी भी परेशानी नहीं आएगी, वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसने तीन तीन सावन देखे हैं 2006 2009 और 20। तो आगे आप फिर से देख लीजिएगा क्योंकि ये आपको धोखा नहीं देगा। अगर मैंने इसको शायद ईमानदारी से देखा है तो आपको धोखा नहीं देगा, फिर भी आप अपने स्तर से इसको वेरीफाई जरूर कीजिएगा। और मैं समझता हूँ मैं जो भी चीजें आप लोगों को दे रहा हूँ व्हाट्सएप अपने स्तर से वेरीफाई कीजिए। यस सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तापस जी क्या क्वेश्चन है सर आपके? तापस जाना जी, तापस जाना जी आवाज जा रहा है आप तक, तो प्लीज क्वेश्चन रखिए। शायद उनको कुछ ऑडियो प्रॉब्लम होगा तापस जी को। एक आध क्वेश्चन और लेता हूँ। सोनू शर्मा जी क्या क्वेश्चन है सर आपके? नमस्ते सर जी। नमस्ते सोनू जी। सर ये बैंक बीज में भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट? अभी आप कहीं भी कर सकते हैं, सिर्फ इसको एक बेंचमार्क मान लेना है और इस बेंचमार्क के आधार पे आप किसी में भी करेंगे तो होगा। और बीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या सोचना है, बैंक भी, निफ्टी भी, सेंसेक्स भी, इसमें कीजिए आराम से। और खासकर निफ्टी भी और बैंक भी में करेंगे तो आपको फायदा होगा, ऑप्शन सेल करके आप एडिशनल प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? आपको एडिशनल पैसा आना शुरू हो जाएगा ना कॉल वगैरह सेल करके। अच्छा, कि अगर बैंक बीज लेने के बाद बैंक निफ्टी की मतलब कॉल सेल कर लें? बैंक में लेने के बाद बैंक निफ्टी की सेल कीजिएगा जब उसके लॉट साइज के बराबर आपको वैल्यू हो जाए तो। चलिए उस पर हम एक डिटेल क्लास ले लेंगे, छोड़िए उसमें आप कंफ्यूज कर देंगे, आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। उस पर मैं एक डिटेल क्लास लूंगा क्योंकि मुझे लगता है वो भी डिमांड में है कि सर उस पर बताइए। मनीष त्यागी जी क्या क्वेश्चन है आपके? आवाज नहीं आ रही है मनीष जी आपकी। चलिए, बहुत ही आज लगता है। रवि जेठावा जी क्या क्वेश्चन है आपके? नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्ते सर। सर मेरे को बैंक बीज परचेस करना है तो अभी एंकर के पास ले सकता हूँ 31,000 के आसपास? मैंने कहा ना 30% ले सकते हैं। 30% फिर नीचे आता है तो फिर 30 लेंगे ना हम। हमारी तो कोशिश होगी हम लोएस्ट पे ले। याद रखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ फिर से बता रहा हूँ पिछले क्लास में, जब तक ये मंथली चार्ट में रेड लाइन ऊपर नीचे नहीं जाएगी इस तरह से, देख लीजिए ध्यान से, ये रेड अभी ऊपर है ना, यहाँ देखिए, जब तक इस तरह से नीचे नहीं जाएगी मार्केट में ऐसा कुछ बना ही नहीं है जो इसको ऊपर लेके चला। ऊपर जाएगा फिर गिरेगा। इसको ऊपर जाने के लिए, इस कैंडल वाले को ऊपर जाने के लिए इसको नीचे आना ही होगा। जब तक नहीं आएगा चाहे जितना भी अच्छे न्यूज, मुझे भरोसा ही नहीं, आई डिनाई, ये वर्ड कहिए कि मुझे डिनाई है, मुझे भरोसा नहीं। तो जाकर जिसके ये नीचे आ गया मंथली टाइम फ्रेम पे, यकीन मानिए बुरा से बुरा बैड न्यूज भी आएगा तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा। जस्ट ट्राई इस बार लाइव देख लीजिए, बुरा से बुरा बैड न्यूज आएगा मार्केट नीचे नहीं जाएगी। शर्त है कि ए नीचे रहे ना कि ए नीचे रहे। ठीक है सर, लेकिन अभी पूरी क्वांटिटी पूरे लॉट साइज के बराबर लेना है तो ले सकता हूँ 30,000 का? अगर आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तब तो ले ही सकते हैं ना, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें भी 50% लीजिए, थोड़ा सा और डाउन मिल जाए तो 50 ले लीजिए, क्या बुराई है। अगर हम लोग बिजनेस मैन है तो कोशिश करेंगे ना कि जितना कम में हमें मिल जाए। यस सर। यस सर। आप 50% अभी ले लो, ठीक है, नीचे की पुट सेल कर दीजिए बैंक निफ्टी का 31,000 का। अब या तो 31,000 का पुट हमें पैसा देगा या वहां पे प्राइस आएगा या तो बैंक भी। हाँ, या बात समझ गए? हां समझ गया सर। इन्वेस्टर ये सब करते हैं ना, अभी कर लीजिए इसको ही। हां पुट सेल कर दूंगा वो नीचे। हां कर दीजिए, आप बाजार को कह दीजिए या तो तुम 31,000 आओ या पुट का पैसा हमें दे दो। यस सर। क्लियर? थैंक यू सर। ओके थैंक यू। चलिए अब क्वेश्चन का यही समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत कीजिए और इसको स्टडी कीजिए और इस पर PDF बना के भेजिए। बेस्ट जो PDF होगा हम उसको टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, ओपनली लोगों को देंगे जिनका सबसे बेस्ट मुझे लगेगा। कोशिश कीजिए बेस्ट बनने के लिए, नंबर 1 बनना तो एक ही बनेंगे क्लास में, बाकी सब लोग को पास होना है। तो मिलते हैं फिर से
और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, फिर से ऐसे ही बीच बीच में मिलते रहेंगे। और इसी वीक से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अमृतवाणी की जितनी चीजें हैं उस पर मैं वीक में कम से कम 2-3 बार आपको आऊँ। डिसाइड किया मैंने मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 8 बजे शाम में, हाँ 8 बजे रात में रखते हैं टाइम, 8 बजे ऑफिस से सब लोग आ जाएंगे, तो 8 बजे शाम में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन हम आपको इस तरह क्लास या यूट्यूब पे कोई छोटा सा वीडियो 10-15 मिनट का हम बनाकर प्रत्येक अमृतवाणी को और प्रत्येक बाजार की मूवमेंट को हम आपको वहां पे दे देंगे, जिससे कि आपकी लर्निंग बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि अमृतवाणी में इतना कुछ नॉलेज होता है, बट मुझे समझ में आता है कि 2 लाइन में शायद आप लोग उसको एडॉप्ट नहीं कर पा रहे। एक एक लाइन पे लोगों की क्लास चलती है सर, गोल्डन क्रॉस ओवर और डेथ क्रॉस ओवर पे, पिवट पॉइंट पे क्लास चलती है लोगों की, RSI पे, वोलिंजर बैंड पे, इस बात को समझिए। और हम उसे 2 लाइन में बता देते हैं, बट आप उसे शायद सीरियस नहीं लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि 10-15 मिनट करके आप लोगों तक जाए, क्योंकि देखिए लर्निंग का कोई अंत नहीं है, जितना ले नॉलेज कम है, मार्केट का और लाइफ का ही नियम है कि जितना जानो उतना ही कम, तो आप लोग वहां पे कमी नहीं कर सकते। और मैं पर डे कुछ ना कुछ देने की प्रयास करता हूं। तो एनीवे उस पे हम मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 8 बजे पर डे, मतलब वही 3 दिन हम आपसे मिलेंगे और इसको खत्म करेंगे। करीब 150-200 है तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। और उस बीच में कुछ मार्केट में चेंजेस ये हुआ तो हम डिस्कस तो ऐसे करते रहेंगे। थैंक यू आप सबको, धन्यवाद, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।